और संक्रांति का स्पेशल खिजी बाजी कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए सभी वेरायटी का वेजिटेबल मैंने एक 15 वेरायटीज का वेजिटेबल्स कट करके छोटा छोटा पीस करके लिया है और सभी ग्रीन लीव्स एक 8 वेरायटीज का ग्रीन लीव्स मुझे क्या मिला वो आपके पास जो है वो डाल सकते हैं। मैंने 15 वेरायटी का लिया है और इधर सभी ये फ्रेश यही लेना है बटाने अवरकाई अलसुन दे कहते ना वो आपके पास जो फ्रेश मिलता है सूखा हुआ मत लीजिए फ्रेश मिलता है वो मैंने लिया है एक दो कप जितना एक आधा कप जितना ग्राउंडनट मैंने लिया है और शुगर कैन छोटा छोटा पीस कर लिया है इतना सा शुगर कैन को छोटा पीस कर लिया है। अभी ग्राइंड करने के लिए एक पौ कप जितना कोकोनट 8 ग्रीन चिलीज 1 इंच जितना अदरक 1 डल्ला लहसुन 1 इंच जितना दालचीनी 4 लवंग टिल 1.5 टेबल स्पून 1 स्पून खसखस थोड़ा हरी धनिया ये सब ग्राइंड कर आती हूँ। अभी देखिए एक बर्तन रख दिया है इसमें एक 4 or 5 टीस्पून ऑयल डालती हूँ थोड़ा ऑयल ज्यादा ही लगता है। इधर ऑयल गर्म होने पर एक 2 ऑनियन मैं डाल लेती हूँ कट कट कर रखी थी बड़ा साइज 2 ऑनियन अभी देखिए ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो गया इतना हुआ तो बस अभी वेजिटेबल सब मैंने कट कट कर रखी थी ना वो तक डाल रही हूँ। ये सब लेयर था ना वो भी डाल रही हूँ। मैंने क्या क्या लिया डिस्क्रिप्शन में डाल एक ग्राउंडनट आधा कप जितना शुगर कैन छोटा छोटा पीस करके और टमाटो 2 टमाटो मैंने कट कर लिया था वो भी डाल रही हूँ। अभी इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। एक आधा स्पून जितना हल्दी पाउडर 1 स्पून जितना धनिया पाउडर 1 आधा स्पून गरम मसाला अभी ये स्वाद के अनुसार नमक इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच कर लीजिए। ये ऑयल में ही कुक होना है ऑयल में कुक हुए तो बहुत टेस्टी आता है। अभी मैंने मिक्स कर लिया है अभी धीमी आंच करकर लिड क्लोज करकर कुक होने के लिए एक 10 मिनट छोड़ती हूँ। अभी देखिए ये 10 मिनट हो गया है अभी ये वेजिटेबल कुक हो गया है देखिए अच्छे से। अभी इस टाइम में एक ग्रीन लीव्स मिक्स करकर रखी थी ना वो डाल देती हूँ। अभी ये ज्यादा ही दिखेगा बाद में कम हो जाएगा। आपके पास कितना रहेगा मिलेगा आपके गांव में उतना लीजिए
सब वेरायटी डाले तो बहुत ही टेस्टी रहता है। अभी इसे कुक होने के लिए एक 10 मिनट्स के लिए छोड़ती हूँ। अभी देखिए एक 5 मिनट्स हो गया है, अभी ये लीव्स सब कम हो गया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी इस टाइम में मैंने ग्राइंड कर कर रखी थी ना, वो पेस्ट डाल रही हूँ। रेड चिल्ली पाउडर, हरी मिर्ची का दाल ग्राइंड करने के लिए डाली हूँ। देख कर डालिए टीका कितना चाहिए। अभी ये सब हो गया मिक्स कर कर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने पानी एक ड्रॉप भी नहीं डाला, ये सब्जी से ही पानी छूट रहा है। देखिए पानी में कुक हुए तो अलग टेस्ट आता है, ऐसे ऑयल में कुक किया तो अलग टेस्ट आता है। हमारे घर में तो ऑयल में कुक किया ऐसा ही पसंद है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाली हूँ। अभी इसे अच्छे से कुक होने के लिए धीमी आंच पर एक 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, बाद में देखती हूँ। अभी इसे खोलती हूँ। वाओ, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए अभी ये अच्छे से कुक हो गया। आप और इजी मेथड से बनाने चाहते हैं तो ये सब कुछ कुकर में डालकर आधा ग्लास पानी डालकर एक विजल लगा लिया तो और आसानी से हो जाएगा। ये रोटी के साथ खाने पे तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। हम संक्रांति में इसे चावल के रोटी के साथ बनाते हैं। अभी ये पक गया है अच्छे से। ये संक्रांति का अगले दिन संडे वैसे आया तो इसमें हम नॉन वेज डालकर भी बनाते हैं। अभी ये हो गए ना, इसके साथ मटन अच्छे से थोड़ा नमक और तो आधा स्पून नमक, आधा केजी फैटी मटन लेना चाहिए, उसके साथ आधा स्पून नमक, आधा स्पून चिल्ली पाउडर, आधा स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर आधा ग्लास पानी डालकर कुकर में अच्छे से कुक कर कर एक 3 विजल लगाकर इसमें डालकर मिक्स कर लिया तो बहुत ही टेस्ट रहता है। अब चाहिए तो अगले दिन वैसे भी कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रहता है। आप भी इसे घर पर एक बार बनाइए, कैसे बना करके मुझे कमेंट पर जरूर कहिए। थैंक यू।